ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 6, प्रवचन 7, निष्काम सेवा का फल। सद्गुरु महाराज ने प्रेमियों से अपने प्रवचन में कहा, आपको आज गुरु महाराज यानी परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की ओर से कौन सा आशीर्वाद है, कौन सी शिक्षा है? कहते हैं महाराज जी, भाई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, चाहे कोई भी हो, सभी को यथा योग्य अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। एक बार देवताओं की मंडली मिलकर भगवान विष्णु के पास आई, सभी ने भगवान को नमस्कार किया। देवताओं को ऐसे एक साथ देखकर भगवान ने पूछा, आपका ऐसा एक साथ कैसे आना हुआ है? देवताओं ने कहा, भगवान हम आपसे ये पूछने आए हैं कि संसार में कैसे ऊंचे पद को प्राप्त किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगणों, इसका सीधा सा उपाय ये है कि आप सब की सेवा करो। मैं स्वयं भी यही चाहता रहता हूँ कि सबका सहयोग करूँ, सेवा करूँ। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, देखो भगवान ने स्वयं पांडवों के राजसुई यज्ञ में सेवा की है। भगवान स्वयं कहते हैं, भाई मेरे अवतार का प्रयोजन भी यही है कि मैं संतों, भक्तों व सज्जन पुरुषों की रक्षा करूं, उनकी सेवा करूं। कहने का तात्पर्य इतना है कि सेवा को उत्तम में उत्तम माना गया है। मेरा कभी कभी काठियावाड़ की तरफ जाना होता है, वहाँ हर वर्ष महापंचायत का आयोजन किया जाता है जिसमें लगभग 135 पंचायतों के प्रतिनिधि आते हैं। ऐसे करीबन 1000-1500 की संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उस पंचायत में मेरी भी उपस्थिति रहती है। हर एक पंचायत का एक मुखिया होता है। इन सब का जो मुखिया है वो है हमारे नेवंदराम। तो भाई नेवंदराम हर बार सम्मेलन में ऐसा कहा करते हैं, भाई मैंने बहुत सेवा दी है, अब मुझे रिटायर करो, जैसे दूसरे किसी को भी सेवा का मौका मिले। भाई नेवंदराम की निष्काम सेवा को देखकर उसे रिटायर करने की किसी की इच्छा रहती ही नहीं है। फिर मेरे से भी आकर कहते हैं, साईं आप भी इसे कहें कि ये महापंचायत के पद पर बने रहें। तो कहने का मतलब ये है कि निष्काम सेवा के फल स्वरूप से ही उन्हें इतना आदर सत्कार प्राप्त हो रहा है, जो लोग इन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे भाई कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, न कोई किसी का सगा साथी है, सगा संबंधी है, एक है गुरु और ईश्वर और दूसरा है निष्काम सेवा। सगा है अपना सरल स्वभाव। देश की सेवा, समाज की सेवा ये तो उत्तम है ही, परंतु पीड़ित एवं रोगी की सेवा, वृद्धों की सेवा भी आवश्यक है। सेवा निष्काम हो, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के अचा होकर केवल परमात्मा के नाते, गुरु के नाते करेंगे तो इसका फल बड़ा शुभ होगा, आपको भी शांति व आनंद की प्राप्ति होगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।